हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं जा रही थी बैंक, बैंक में था, 2000 रुपये निकालने थे क्योंकि 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। घर से कपड़े पहन लिए हैं, घर से निकल गए हैं, बाहर बारिश का मौसम है लगता है। और ये हमारे आश्रम के कागज़ हैं, आप जल्द ही हम आश्रम बनवा लेंगे और इसके कागज़ लेंगे। और काफ़ी समय लग गया है बनवाने में, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए ताकि हम जल्दी बनवा पाए। पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम से नहीं बन पाया इतनी जल्दी। और पूरे कागज़ हैं, पूरे सबूत हैं उसके, और किस दिन इस पर वीडियो हम डालेंगे आप लोगों को, आप लोगों को बता देंगे कि ये वही हैं कागज़। पैन वगैरह जो होता है सब बनवाना पड़ा मेरे हस्बैंड को, काफ़ी पैसा लग गया उसमें। ये रास्ते का है, ये नहर है, दो नहर है, और सीधा लखनऊ को जाते हैं। दो नहर मतलब थोड़ा गैप दे के हैं, दो दो नहर हैं तो जाते हैं। और वहाँ बहुत अच्छा लगता है, पहले नहाया करते थे बच्चे तो पुलिस ने मना कर दिया, तो नहीं नहाते हैं। डूबने का खतरा है, बहुत ही मतलब गहरा है, देखने में बहुत डर लगता है, नदी जैसा है। इसलिए पहले ये रोड बहुत ही ख़राब थी, अब सही हो गई है, पहले से बेहतर है। ये रोड बहुत अच्छी है, ये जब मेरी बेटी पेट में थी ये तो रास्ता अच्छी हो गया ना, हो गया मतलब बनिया हो गई बन गई, और तो अब अच्छा लगता है आने जाने में। पहले बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, ये आम के बाद हमारे हस्बैंड को उनके आम ले जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हमने पेट्रोल डलवा लिया, फिर चल दिए मंजिल की ओर। देखते हैं होता क्या है, क्योंकि आज सोमवार है और जुलाई है, भीड़ बहुत ही भीड़ है, बहुत ही भीड़ है, गजब की भीड़ है यहाँ पे। मुन्ना मुमकिन बोल रहे हैं सर्वर नहीं आने का, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं अपना खुद का, देखते हैं अंगूठा लगा के क्या होता है। वो मेरा अंगूठा भी एक बार नहीं आया, दोबारा ट्राई करें, सर्वर नहीं है अंगूठा, चाहे जितना लगा लें। नो, खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, बहुत ही दुख हो रहा है। खाली हाथ बच्चे कैसे मनाएंगे अपना जन्मदिन। ये है रेलवे क्रॉसिंग, और मुझे देखते हैं तो मुझे कानपुर की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा मायका है कानपुर में, और यहाँ से बैठते हैं गैयाबाद से तो तुरंत चले जाते हैं कानपुर। बहुत ही खुशी होती है, मायका जाते समय बहुत खुशी होती है, वहाँ से आते समय बहुत ही दुख होता है। तो देखते हैं, जब भी तुम्हें याद आ जाता है ये रास्ता याद आ जाती है, ये पल याद आ जाते हैं। ये फिर से उसी रास्ते में खाना खाए हैं, उस रास्ते से गए थे, ये दूसरी नहर है तो उसमें नहाते। और जबतर भैंस बहुत नहाती है, हमारी नहर है जो ज्वाइंट है दो। यहाँ पे सारस दिख रहा था हमें, ये है सारस, बहुत दिन ये है क्या बाबू? उमड़ी और कौन सा पक्षी है? मतलब छोटे में जंगल में छुप छुप के रहते हैं, देखने में बहुत डर लगता है मुझे। मोर नहीं दिख रहा ना, चिड़ियाघर मालूम होता है, वैसे भी जंगल में है और बहुत ही खेत है, मुझे अच्छा लगता है गाँव में, अच्छा लगता है। हम तो शहर के हैं रहने वाले, काफ़ी प्यारा लगता है। मुँह बना है मेरा, मैं स्कूटी से उतर गई हूँ, मुझे पैसा नहीं मिला है, मेरी कल ना के खेल भी गिर गई थी मैंने, अच्छा हुआ मिल गई थी। ये क्या हो रहा है पता नहीं, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रहिए ताकि हम सक्सेस हो पाएँ। और एक मेरी बेटी भी है, और ताकि हम उसको कुछ बना पाएँ। मैं टेंशन में हूँ, जाके थोड़ी देर आराम कर लिए हैं। और मेरी प्यारी बेटी गुनगुन, इसका नाम है सेल्वी, और ऐसे हीमा बोल, हीमा नाम है, हीमा बोलते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा।